भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को मिली एक कामयाबी। 22 साल के मोहम्मद सरजिल उर्फ हमजा को 6 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। इस विषय को लेकर आपको बता दें कि भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के माध्यम से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। विशेष तौर पर आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त गुने की तरफ से जो पत्रकार परिषद का निर्देश दिया गया, जिसको लेकर योगेश अवाड़ और उनकी पूरी टीम ने जो एक शातिर अपराध करने वाले 22 साल के मोहम्मद सरजिल उर्फ हमजा को 6 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन के साथ में गिरफ्तार किया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस विषय को लेकर पत्रकार परिषद में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के वरिष्ठ पुलिस के जो अधिकारी थे, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मामला क्या है, बाइक चोर अरेस्टेड हुआ है, जिसमें कुछ बाइक जब्त की गई है और इसमें हिस्ट्री चीटर है क्या बोला जाए। थाने शहर के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे सर ने पिछले कई दिनों में एक इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जहाँ पे मोटरसाइकिल थेफ्ट या व्हीकल थेफ्ट होगी वहाँ जाके उन्हें हमें रुकवाना है। और इस कार्रवाई के बीच में यूनिट 2 क्राइम ब्रांच जो भिवंडी में कार्यरत है, वहाँ के कुछ पुलिस अफसरों ने यहाँ पे यह काम शुरू किया था। और इन बिटवीन नारकोली पुलिस स्टेशन और कोनगांव पुलिस स्टेशन में ये मोटरसाइकिल थेफ्ट की कुछ वारदातें भी वहाँ ऑफेंस रजिस्टर हुए थे। वहाँ जाके घटनास्थल पे जब हमारी टीम पहुँची तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज के कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, जिससे कुछ बातें सामने आई थी। वहाँ हमारे पुलिस सिपाही अमोल इंगड़े, इन्होंने ये विश्लेषण करने के बाद और उनके साथ जो टीम थी, इन्होंने सीनियर पी आई योगेश अवाड़ साहब को ये बात बताई। तो वहाँ पे छानबीन करने के बाद मोहम्मद सरजिल सिराज अहमद मोमिन उर्फ हमजा, जिनकी उम्र लगभग 22 साल है, रहने वाला सायरा मंजिल का है, जो खान कंपाउंड शांतिनगर भिवंडी के जुरिडिक्शन में आता है, वहाँ पे उन्हें हिरासत में लिया गया 3 जून को। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ बातें बताई जो इंट्रोगेशन में सामने आई। उन्होंने करीब से करीब 10 ऑफेंस को उन्होंने अंजाम दिया था, जो 10 ऑफेंस भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 379 से ये वहाँ पे रजिस्टर की गई है। 3 जून से लेकर 7 जून तक, मतलब कल तक, उनकी कस्टडी सैंक्शन की गई है ऑनरेबल कोर्ट ने। तो यहाँ पे जब टेक्निकल एनालिसिस किया और आगे ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ा, तो वैसे ही कुछ बातें सामने आई कि जिनमें से मैंने पहले कहा 10 ऑफेंस इस मोहम्मद सरजिल ने किए हैं, जिनमें कोनगांव नारकोली वागली स्टेट वर्तक नगर में एक है, मुमरा में 2 है, शिरडाइगर पुलिस स्टेशन में 2 है, नौपाड़ा और कापुर बावड़ी में 1-1 379 के तहत ये रजिस्टर किए गए हैं। ये डिटेक्ट हुए इस दौरान 6 मोटरसाइकिली, 6 बाइक्स और 1 मोबाइल फोन जो सीज किया गया है इस आरोपी की तरफ से। और अभी इन्वेस्टिगेशन भी अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी भी कुछ बातें अगर सामने आएगी, इनके साथ कोई और साथ में किसी ने ऑफेंस किया है, किसी ने इन्हें मदद की है, या कोई बातें आएंगी, या और कुछ मोटरसाइकिल बरामद होगी, तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। गौरतलब यह है कि ये जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, ये ऑन रिकॉर्ड आरोपी है। इनके ऊपर अभी तक हमारे रिकॉर्ड जैसे कि अवेलेबल हुए, शांतिनगर भिवंडी में जो आता है पुलिस स्टेशन, वहाँ इनके खिलाफ 29 ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं। मतलब ये रिकॉर्ड पे 29 ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं, ये ज़्यादातर 379-80 के हैं थेफ्ट के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी कितनी मोटरसाइकिलें यहाँ पे उनके द्वारा बरामद हुई, अभी भी कितनी होने वाली, अभी भी कुछ अगर उनके साथ रहने वाले कुछ आरोपी हो गए तो उनकी छानबीन होगी। हमारा प्रयास है कि कल जब हम आरोपियों को मैजिस्ट्रेट के सामने हम पेश करेंगे, तो पेशी के दौरान ये पुलिस कस्टडी बढ़ाई जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्टिगेशन के तौर पर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल हम एक्वायर सीज कर सकते हैं या कुछ बातें सामने आ सकती हैं। ये हेल्पर का काम करता था और हेल्पर के काम करने के माध्यम से ज़्यादा मोटरसाइकिलों को हैंडलिंग करना, और ये थोड़ा सा इस मोड पे गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल होने चाहिए, एक शौक बन गया था। इन्हें बेचना खरीदना वो अलग काम, गाड़ी पे राइड करना वो अलग काम। ये इस तरह की एमओबी ये मोहम्मद सरजिल सिराज रखता था, अभी तक ये बात सामने आई है।
सर ये कितने सालों से आरोपी चोरी के मामले में लिप्त है? देखो अभी उम्र है 22 साल। अगर हम रजिस्टर ऑफेंस का अगर तारीख देखें तो ज़्यादातर ये 221-220 के भी, मतलब पिछले 5 साल से ये आरोपी लगातार ये ऑफेंस कर रहा है, मतलब वो नाबालिग नहीं है। अगर होगा भी तो 17-18 से लेकर आगे तक। सर ये चोरी की बाइक किसको बेचता था कुछ आरोपी नहीं? ये बात कैसे होती है, अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे कि जितने भी चोरी की बाइक हमें बरामद की है, जिन लोगों से बरामद किए वो तो बात सामने आई है, अभी भी बहुत सी बातें सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। पीसी भी नहीं मिली, बाद में पीसी अगर ख़त्म भी हो जाती है पुलिस कस्टडी, फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा 60 दिन तक। इसलिए हमें अभी भी स्कोप है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं।